सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 सात चरणों में होना था और पांच चरण तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। छठे चरण का चुनाव आज जारी है और अभी तक लगातार मतदान जारी है। प्रशासन प्रतिबद्ध है मतदान कराने के लिए और हर जगह पर कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में है और उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 कई मायनों में भी खास माना जा रहा है, क्योंकि सात चरणों में सात जगह के मुद्दे हमेशा अलग अलग रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बजे तक की कुल वोटिंग प्रतिशत सामने आ गई है तो उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के लिए कुल 30% मतदान हो चुका है। वही देवरिया में 34.23% मतदान हुआ है। मतदान हो चुका है। सिद्धार्थनगर में 36.66% मतदान हुआ है। कुशीनगर में 35.32% मतदान हो चुका है। संत कबीर नगर में 34.33% मतदान हो चुका है। गोरखपुर में 36.66% मतदान हो चुका है। देवरिया में 34.23% मतदान हो चुका है। कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है। बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है। बलरामपुर में 34.25% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात बलिया की जाए तो बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है। देवरिया में 34.23% मतदान हो चुका है। सिद्धार्थनगर में 36.66% मतदान हो चुका है। कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है। संत कबीर नगर में 34.33% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल मतदान 1 बजे तक 30% हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक कुल 30% मतदान हो चुका है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में 34.25% मतदान हो चुका है। वहीं कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है। सिद्धार्थनगर में 36.66% मतदान हो चुका है। महाराजगंज में 35.32% मतदान हो चुका है। संत कबीर नगर में 34.33% मतदान हो चुका है। बस्ती में 37.49% मतदान हो चुका है। अम्बेडकर नगर में 40.6% मतदान हो चुका है। देवरिया में 34.23% मतदान हो चुका है। बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है। गोरखपुर में 36.66% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान 1 बजे तक कुल 30% हो चुका है। 30% मतदान हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक छठे चरण के लिए। वही लगातार वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 10 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है और मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह मतदान चलेगा और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक एक खबर बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रवि सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ अभी तक अपडेट है कुशीनगर से? आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में अब तक लगभग 37% पांचों विधानसभाओं का मिला करके 1 बजे तक वोटिंग हुआ है, जिसमें जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से सौरभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 बजे तक 37.2% मतदान हुआ है। कपिलवस्त्र विधानसभा क्षेत्र में 38.45% मतदान 1 बजे तक हुआ है।
बांसी विधानसभा क्षेत्र में 34.38% मतदान 1 बजे तक हुआ है। वहीं इटवा में 37.8% मतदान और डुमरियागंज में 34.7% मतदान 1 बजे तक हुआ है। जी अगर बात की जाए वहां के सारे मतदान केंद्रों की तो क्या क्या इसे ईवीएम खराब होने की खबर तो सामने नहीं आ रही है? नहीं, ईवीएम को लेकर के अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। ये बात है कि कपिलवर विधानसभा क्षेत्र में कुछ एक गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, जिसमें उनका कहना है कि विकास न होने के कारण वह चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी कौन से गांव की बात सामने आ रही है और क्या मुद्दे थे विकास के, उनके विकास में क्या कुछ वो चाहते थे जो उनका पूरा नहीं हो पाया जिसकी वजह से उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है? विधानसभा क्षेत्र का जी कपिलवर विधानसभा क्षेत्र का संगलदीप गाँव है, जहाँ ग्रामीणों ने बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान न होने के कारण, मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण मतदान का यहाँ बहिष्कार किया है। वहीं पर प्रशासन के लोग वोटिंग करने के लिए इन्हें मनाने का भी काम कर रहे हैं जी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ के आता है कि चुनाव के पहले लगातार जनसभाएं की जा रही थी, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे थे, क्या कोई प्रत्याशी चुनाव के पहले इनके यहाँ पे नहीं गया और इनके इस समस्या का निजात दिलाने की बात नहीं कही? क्या वजह रही है कि आज चुनाव के दिन इन लोगों को बहिष्कार करना पड़ा मतदान का? जी इन लोगों को यही उचित लगा होगा, इससे पहले शासन प्रशासन तक अपनी बात रखे होंगे, नहीं सुनवाई हुई होगी, तो आज उसका बहिष्कार करके इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के प्रशासन ने इनको मनाया और जो भी समस्या है उसके निदान हेतु इनको आश्वासन भी दिया है। जी जी और क्या अगर वहाँ पे बात की जाए कोविड गाइडलाइन की, तो मतदान केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन का पालन किस तरह से करवाया जा रहा है? जी सिद्धार्थनगर जिले में देखा जाए तो कई पोलिंग बूथ जैसे शादी विवाह सजाया जाता है मंडप, इसी तरह से आदर्श बूथ करके बनाया की सुंदरता देखते ही बनती है, और साथ ही अन्य बूथों पर भी कोविड गाइडलाइन के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर आदि के प्रबंध भी किए गए। जी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मतदान केंद्रों पर बने रहिए और सारी खबर लगातार पहुंचाते रहिए। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ जुड़े थे। वहीं अब बलरामपुर से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित क्या कुछ जायजा है वहां के मतदान केंद्रों का, एक बज के तक के वोटिंग परसेंटेज भी आ चुके हैं और लगभग 2:30 बजने वाले हैं, किस तरह से मतदान वहां पर हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा यहां हो रहा है और यहां अलग सारी कर्मचारी और इसकी लगी हुई है और यहां मतदान करवा रहे हैं और 1 बजे तक लगभग 35% मतदान हो चुके हैं बलरामपुर चारों विधानसभा। क्या बलरामपुर से जनता का कोई वोट बहिष्कार या फिर ईवीएम खराब होने की खबर तो नहीं आ रही है? उतरौला विधानसभा में एक जगह पे ईवीएम खराब हुआ था जहां तत्काल उसे बदल दिया गया था और फिर वहां मतदान नहीं हुआ। क्या कोई बाधा भी आई थी अमित, तो जब मतदान ईवीएम खराब हुआ तो मतदान केंद्रों पर कुछ मतदाताओं को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था? 15-20 मिनट तक उन लोगों अपना इंतजार करना पड़ा था, उसके बाद जब ईवीएम आ गया और उसके बाद में मतदान होने लगा। अमित बलरामपुर एक थोड़ा सा पिछड़ा एरिया भी माना जाता है, तो किस तरह से वहाँ पे जनता का क्या मुद्दा है और जनता अपनी किन मांगों को लेकर मतदान केंद्रों पर जा रही है? आपने वहाँ की महिलाओं से क्या कुछ बात करी कि महिलाओं का क्या कुछ मुद्दा है? बलरामपुर जनपद एक तो पिछड़ा इलाका है, नेपाल बॉर्डर से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो महिलाएं हैं या युवा हैं तो ये मुद्दा है, महिलाएं कह रही हैं हम सुरक्षा को लेकर वोट कर रहे हैं, तो युवा कोई कह रहे हैं कि हम धर्म विशेष को लेकर वोट कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है रोजगार को लेकर वोट कर रहे हैं। बलरामपुर जनपद में 16,01,577 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 50,000 नए वोटर इसमें शामिल हुए हैं। वोटर शामिल हुए हैं उनका क्या कुछ मुद्दा है और ये युवा होंगे, युवाओं का क्या कुछ मांग है? जो युवा शामिल हुए हैं युवाओं का मांग है रोजगार है, बेरोजगार है उन्हें रोजगार चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य सड़क जैसे ऐसी तमाम जो मुद्दे हैं इसकी ये मांगे हैं। बिल्कुल अमित, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मतदान केंद्रों पर बने रहिए और सारे अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि यूपी में 1 बजे तक कुल 30% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात करें बलरामपुर की तो
इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से सामने आ रही है। महादेवा विधानसभा में कटे सैकड़ों वोटरों के नाम, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वोट देने पहुंचे ग्रामीणों को मतदान अधिकारियों ने किया बाहर। ग्रामीणों ने बीएलओ पर धांधली का लगाया आरोप। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेवा विधानसभा के 25 ग्राम सभा का यह मामला सामने आया है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महादेवा विधानसभा में सैकड़ों वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। वोट देने पहुंचे ग्रामीणों को मतदान अधिकारियों ने बाहर किया। ग्रामीणों ने बीएलओ पर धांधली का आरोप लगाया है। महादेवा विधानसभा के 25 ग्राम सभा का यह मामला सामने आया है, जहां पर सैकड़ों वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाने की वजह से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। वहीं बीएलओ पर धांधली का भी आरोप लगाया है। राज्य ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। यूपी में अभी तक 1 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। बात देवरिया की जाए तो देवरिया में 34.23% मतदान हुआ है। बलिया में 36.27% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 36.66 लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। और वहीं अगर बात किया जाए छठे चरण का, तो छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता देवरिया से, वहां से मतदान केंद्रों का जायजा लिया है, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वहां के लोगों का मत है और क्या कहना है देवरिया की जनता का। विकास, सुशासन और इनके माफिया गुंडा राज समाप्त करने के लिए हमने वोट दिया है। इस समय हम देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विधानसभा में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ सातों विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 23,61,780 है। और लोग यहाँ आपने मतदान देते हुए काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या है इनका। भाई साहब, आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कौन मुद्दा बताओ, हमने क्या फिर भी आपके जवान समाज के किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? विकास, विकास है, कृषि। भैया आप किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? विकास के लिए। भैया किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट, क्राइम। जी, क्या खुश हैं सरकार से? बिल्कुल। देवरिया जनपद में विधानसभा चुनाव का छठवां चरण आज है और लोग यहां अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और लोग अपने मतों का प्रयोग करके काफ़ी यहां उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री के जवान काफ़ी सक्रियता से अपनी ड्यूटी करते नज़र आ रहे हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर लगातार आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और शांति तरीके से लोग मतदान करते नज़र आ रहे हैं। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत, देवरिया। जायजा लिया देवरिया का और उन्होंने बताया कि लोगों का मत क्या है। वहां के लोगों ने बताया कि किन मुद्दों पर देवरिया की जनता इस बार मतदान केंद्रों पर जा रही है। हालांकि अगर बात देवरिया की जाए तो देवरिया में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। सलम मणि त्रिपाठी, जो सूचना सलाहकार भी है, वो भी वहां से चुनावी मैदान में है। और देवरिया के कई अहम मुद्दे भी सामने आए हैं, जैसे कि विकास और रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है। और चीनी मिल, 10 सालों से वहां पर चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। देवरिया की जनता की सबसे बड़ी मांग यही है कि चीनी मिलों को दोबारा से स्टार्ट कराया जाए। कई मामले देवरिया से भी सामने आ रहे हैं और कई बड़े चेहरे देवरिया से सामने भी है। वहीं सूर्य प्रताप शाही भाजपा के पथरदेवा, देवरिया के पथरदेवा विधानसभा से। वहीं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी पथरदेवा से है और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद, आपको पल पल की अपडेट बता रहे। हमारे संवाददाता गोरखपुर से हिमांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। हिमांशु, क्या कुछ वहां के मतदान केंद्रों का जायजा है और अभी तक कितनी मात्रा में वहां पर जनता पहुंच रही है और क्या कुछ जोश देखने को मिल रहा है गोरखपुर की जनता में? देखा जाए इसमें अब तक करीब 2.5 बज चुके हैं और अगर हम बात करें
अन्य सीटों की गोरखपुर में, तो गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं और जहां पर बाढ़ के भी मुद्दे बहुत अहम रहे, रोजगार के मुद्दे और छुट्टा जानवरों के भी मुद्दे बहुत अहम रहे, तो इन सब मुद्दों का क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? नहीं आएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और चौरी चौरा में और सहजनवा में इस जगह शिक्षा पशुओं का और बाढ़ का कितना मसला रहेगा, इसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं और उनके प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो गांव जिलों पे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे और लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को असर तो जरूर पड़ेगा। हिमांशु, ये तो बात गोरखपुर की जनता की, अगर बात गोरखपुर के युवाओं की जाए तो गोरखपुर के युवाओं की क्या कुछ मांग है, और गोरखपुर का जो युवा है खास करके, या तो जो पहली बार वोट देने जा रहे, दूसरी तीसरी बार जो युवा है, उनकी क्या कुछ मांग है सरकार से गोरखपुर की युवाओं का? देखिए, गोरखपुर के युवा जो है, उनको जो है उनका मकसद सिर्फ रोजगार का है, उनका कहना है कि सुशासन है और सरकार से उम्मीदें बहुत है, वो इसी सरकार को चाहते भी है। हमने बात भी की कई युवाओं से, उन्होंने कहा कि हमको सरकार यही चाहिए, लेकिन इसमें देखने वाली चीज ये है कि उनको रोजगार के बारे में बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं रहता, जिससे अभी ये टीएटी वगैरह का निकलता है तो बोले कि परीक्षा होती है, उसके बाद स्टे लग जाता है या तो उसे रद्द कर लिया जाता है, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है सरकार को। तो जनता गोरखपुर की युवाओं का मांग रोजगार है। वहीं अगर बात तो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट की जाए, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में है, वहां से चंद्रशेखर आजाद भी, जो भीम आर्मी के चीफ है, वो भी चुनावी मैदान में, तो उनका क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जनता उनसे कितना खुश है, या फिर जनता उनको कितना मौका देने के मूड में नजर आ रही है? हिमांशु, देखिए, सीएम योगी चूंकि ये सदर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं और गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, ऐसे में गोरखनाथ पीठ से जो है, मंदिर से यहाँ के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जुड़ाव है, लोगों की आस्था है उसके प्रति, इसलिए सीएम योगी का यहाँ पे दबदबा है। और देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण भी ग्राउंड पे आकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग किए हैं, रोड शो किए हैं और कोशिश किए हैं कि जनता उनके साथ, उनके मत दे उनको और वोटिंग करके जिताए, लेकिन बहुत ज्यादा जनता उस पर रुचि नहीं ले रही है। जी मंजू, क्या गोरखपुर से कोई ईवीएम खराब होने की खबर तो सामने नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक ईवीएम खराब होने की कोई खबर नहीं है। हिमांशु, क्या कहीं से वोट बहिष्कार भी किया गया है गोरखपुर में, क्या ऐसी कोई खबर सामने आई है? जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कहीं पे वोट का बहिष्कार किया गया हो। हिमांशु, अभी तक 2:30 बजने को आ गए हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? कितने उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं? देखिए, मतदाताओं के उत्साह की बात करते तो सुबह बहुत तेजी से मतदान हुआ है, लेकिन उसके बाद आंकड़ा रुक गया था 9 बजे के आसपास आते आते और धीमे हो गया था, लेकिन यही आंकड़ा 12 बजे के बाद जो है बहुत तेजी से बढ़ा है और इस समय 49% के आसपास वोट हो गया है। मतलब लोग काफी उत्साह के साथ, भारी जोश के साथ मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। अगर बात की जाए गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट की, तो वहां से हिमांशु कई अन्य जाति, कोई एक पर्टिकुलर जाति का वोट नहीं है वहां पर, विभिन्न वहां पर अगर बात की जाए तो व्यापारी ज्यादा है, अली नगर और गोलघर का देखा जाएगा तो उधर व्यापारी ज्यादा है, जिधर अग्रवाल वोटर ज्यादा है, जहां से राधा मोहन का भी पकड़ काफी रहा है, तो ऐसे में जो व्यापारी है उनका वोट कितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जाएगा? क्योंकि कोरोना में जिस तरह से व्यापारियों को भारी नुकसान झेलने को मिला था, तो इसका क्या कुछ व्यापारियों का असर पड़ने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव पर और गोरखपुर सदर की सीट पर? बातें करते हैं और बोलते हैं कि इससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका भी जुड़ाव जो है मंदिर से है, इस वजह से पूरा रुझान उनका मंदिर की तरफ ही है। तो व्यापारियों का भी रुझान मंदिर की तरफ से है, और अगर बात उनके बिजनेस की जाए तो गोरखपुर सदर की जो सीट है, हालांकि वहां पे व्यापारी ज्यादा है, उनका भी रुझान मंदिर को देखने को मिल रहा है। अगर पूरा बात की जाए हिमांशु, तो जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं का लाभ गोरखपुर की जनता ले रही, एम्स हो गया, इलेक्ट्रिक बसें हो गई, इस तरह की तमाम रोडों को जो बनाया गया है, चौड़ी की गई है रोडें, चौड़ीकरण भी चल रहा है, तो इसका क्या कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है मौजूदा सरकार को? बात तो स्पष्ट है, एकदम साफ है कि गोरखपुर में जो है योगी आदित्यनाथ ने सीएमपीटी होने के नाते यहाँ कार्य किया है, भाजपा की सरकार ने यहाँ काम किया है, रोडों का पूरी तरह से चौड़ीकरण हुआ है, सुंदरीकरण भी हुआ है, इसके अलावा हम बात कर ले एम्स बना है अस्पताल, इसके अलावा बात करें तो ब्लॉक स्तर पे भी, ब्लॉक के थे वहाँ पे भी हॉस्पिटलों की सुविधा अच्छी कर दी गई है सरकारी चिकित्सालय पे, और
जहाँ पे टीचर्स वगैरह के पीछे नहीं होते थे वहाँ पे टीपू का इंतजाम किया गया है। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे चिड़ियाघर बनाया गया है, अफाकुल्ला खान चिड़ियाघर है, अवतारा मंडल यहाँ पे बनाया गया, जहाँ नौका विहार है, यहाँ पे लोग आकर के पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया गया है। और साथ ही साथ बात तो पूरी तरह से गोरखपुर को एक सुंदरीकरण और मॉडल ढालने की कोशिश की जा रही है। नीचे कर लो। हाँ जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। मतदान केंद्रों पर बने रहिए, शाम के 6 बजे तक ये मतदान होना है। संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि गोरखपुर में जो विकास हुआ है, गोरखपुर का जो सुंदरीकरण हुआ है, उसका कितना कुछ असर पड़ने वाला है। काशी अगर सदर सीट की बात करें, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में है, वहाँ पर कई तरह की मिक्स जातियाँ हैं, व्यापारी उधर जाता है, तो अब देखना यह होगा कि जनता किसको पसंद करती है और 10 मार्च को किसको चुनकर विधानसभा लखनऊ के लिए भेजेगी। छठवें चरण के कुल मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 30% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। देवरिया में 34.23% मतदान हो चुका है, कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है, बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है, अम्बेडकर नगर में 40.6% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक के कुल आंकड़े सामने आ चुके हैं छठवें चरण के लिए। छठवें चरण में कुल 30% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। गोरखपुर में 36.66% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थ नगर में 36.66% मतदान हो चुका है, कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है, बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े 1 बजे तक के सामने आए हैं। गोरखपुर में भी काफी सीटें हॉट सीट बनी हुई है, कई दिग्गज गोरखपुर से भी चुनावी मैदान में है। वही आपको कई ऐसी खबरें सामने आ रही है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, अंबेडकर नगर से संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल, क्या कुछ जायजा है मतदान केंद्रों का, 1 बजने वाले हैं, क्या कुछ उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में? अंबेडकर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से ही 2075 बूथों की मतदान का सिलसिला अभी तक जारी है। अगर 1 बजे के आपको आंकड़े बता दे कितने परसेंट पड़े, तो अकबरपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 46% और कटहरी की अगर बात करें तो 38% और जलालपुर विधानसभा की बात करें तो 37%, अगर टांडा की बात करें तो 42% और आलापुर अगर विधानसभा की बात करें तो 40%। इस तरीके से 1 बजे का ये पोलिंग परसेंटेज है। जी, अंबेडकर नगर से क्या कुछ उत्साह देखने को मिला, और राहुल क्या कहीं से ईवीएम खराब होने की खबर तो सामने नहीं आई है? नहीं, अभी ऐसी कोई भी खबरें निकल कर सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन पहले ही पूरी तरीके से अलर्ट था। और राहुल अगर बात की जाए तो क्या कहीं से मतदान बहिष्कार की खबर तो सामने नहीं आई अंबेडकर नगर से? ऐसी भी कोई खबरें निकल कर सामने नहीं आई अभी तक फिलहाल। अगर बात अंबेडकर नगर की जनता की जाए तो अंबेडकर नगर की जनता के कई अपने खुद के अहम मुद्दे थे, और वहाँ के दिग्गजों की बात की जाए तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। राहुल, ऐसे में कौन से दिग्गज का विकास कार्य जनता पसंद कर रही है, क्योंकि अभी तक 2:30 बजने वाले हैं और 3 बजे तक मतदान होना है, साफ नजर आ रहा होगा जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है, वहाँ की महिलाओं का क्या कुछ मुद्दा है? राहुल, हमारे साथ कुछ मतदान मतदाता है यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मेरा नाम राजेश चौरसिया है। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, और आए दिन जो है ये भ्रष्टाचार पे, ये सब मुद्दे हैं अब की बार। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार बसपा सरकार बनेगी, बनाना नहीं चाहते, बनेगी 100% बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो ये थे हमारे साथ मतदाता थे, हमने इनसे बात किया, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर बसपा की सरकार बनेगी। जी, तो राहुल जिस तरह से वहां पर मतदाताओं का ये मुद्दा है कि वो विकास के मुद्दे पर वोट चाहते हैं, वहां की जनता क्या कुछ उम्मीद रखती है कि जिसे वो प्रत्याशी बनाएंगे, जिसको जिस प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा भेजेंगे, क्या कुछ और विकास कार्य उनके लिए करें, क्या कुछ अभी विकास अंबेडकर नगर का बाकी है जो जनता उम्मीद करती है कि उनके प्रतिनिधि जिनको वो चुनेगी वो करेंगे उनके लिए? बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत लोगों की जो प्राइवेट जॉब थी या फिर
जो गरीब तबके के लोग थे, मजदूर थे, उनका भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेकार हो गई थी। तो इन्हीं सब वजह से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अपने प्रतिनिधियों से यही अपेक्षा भी की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ से खराब सड़कें को लेकर के सबसे ज्यादा जनता में नाराजगी देखी जा रही है। राहुल, शिक्षा को लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं अम्बेडकर नगर में? शिक्षा की अगर बात की जाए तो जितने भी लोग मतलब शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र हूँ, वो चाहते हैं कि हमको फिर से अध्यापक की नौकरी नियुक्ति की जाए, यही सब उनकी मांग है। राहुल, आपने बात शिक्षा जो नियुक्ति की करी, अभ्यर्थियों की करी, अभी तो कई मुद्दे ऐसे सामने आए थे जहां से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, लगातार ऐसी खबरें सामने थी, तो उन अभ्यर्थियों की क्या कुछ उम्मीद है? जो अम्बेडकर नगर के अभ्यर्थी है, अध्यापक अभ्यर्थी, उनकी क्या कुछ उम्मीदें है कि अगर सरकार बनती है तो उनको नौकरी दिया जाए, क्या कुछ उनके लिए किया जाए? जी, जनसभा को जैसे कि मैं बता दूं, अखिलेश यादव पिछले 28 तारीख को जनसभा किए थे अम्बेडकर नगर में, लगभग 3 जनसभाएं उनकी हुई थी। तो उसमें वो उसमें ऐसे मांगों को लेकर पोस्टर बैनर करके आए थे लोग। तो अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों का ध्यान रखेंगे। जी राहुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मतदान केंद्रों पर अपनी नजर लगाए बैठाए रखिए और हमें बताते रहिए वहाँ के क्या है ताजा अपडेट। अंबेडकर नगर से संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े थे, जहाँ से उन्होंने बताया कि फिलहाल अंबेडकर नगर से भी कोई ईवीएम खराब या मतदान बहिष्कार की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर मतदान करवा रहा है। विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है, और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं में अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी सबसे अपील है। आपने इतना मत दे दिया है, अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। वोट को लेकर क्या मैसेज देना, मतदान को लेकर? मतदान के लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मतदान में भाग लें और मतदान में आकर के, और मतदान एक लोकतंत्र के भीतर सबसे बड़ा अधिकार है, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरीके का प्रदेश के भीतर और देश के भीतर शासन होगा वो निर्धारित करता है। ये लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अधिकार, यानी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है, इसके पास सरकार बनाने और हटाने का अधिकार होता है। तो वो सुशासन और विकास के लिए आकर के वो आज मतदान करे, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। जो वोटिंग डे है, आज परीक्षा का समय है, सीएम के अगेंस्ट में आप खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ। अच्छा, क्या करना चाहती हैं अगर आप विजयी बनी तो क्या करना चाहेंगे? जो समस्या पूरी नहीं हुई है वो पूरा करेंगे, जनता को खुश करेंगे, सहार देंगे। आपके हस्बैंड बहुत दिनों तक बीजेपी से जुड़े हुए थे और आप अब सपा में आ गई हैं, क्या ऐसा रहा, कुछ कहना चाहेंगे? मृत्यु के बाद मेरे पति का अपमान हुआ, उसके बाद हम ये ज्वाइन किए। उनके साथ अखिलेश जी ने हमको बहुत सम्मान दिए, कहे तुम्हारे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं, अब इससे अधिक क्या बोलें। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछली बार 325 सीटें मिली थी, इस बार 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। जहां तक बात है फेफना की सीट को, पूरा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश तब सीट मानता था, आज मैं कह रहा हूं कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट से,
और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और फेफना की जनता ने जो मन बना लिया है, उसमें रुझान यही है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जितना वोट पाएगा उससे ज्यादा वोट से वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कमल का। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में संवाददाता रजनीश बस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी चुनाव को लेकर बस्ती से? देखिए, अगर ताजा अपडेट की हम बात करें तो अभी तक बस्ती में 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत का रुझान आया है वो लगभग 38% मतदान हो चुके हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा महादेवा विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत हुआ है। अब हम बात करें कुछ एक जगहों पे दिक्कतें आई हैं, जैसे महादेवा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है पतीसा, जहां पे जो है वोटर लिस्ट में कुछ लोगों का नाम, सैकड़ों लोगों का नाम गायब है, और उन गांव वालों ने साफ तौर पे आरोप लगाया है वहां के बीएलओ पर, उनके कारण जो है एक विशेष जात के लोगों का वोट जो है लिस्ट नाम काट दिया गया, गायब कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई रजनीश, की वोटर लिस्ट में से ही लोगों का नाम गायब है? लोगों ने काफी रोष भी व्याप्त किया है, लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और बीएलओ पर इल्जाम भी लगाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो ये कैसे हुआ कि लोगों का ये वाकया कैसे सामने आया कि लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है? किसकी लापरवाही से ये हुआ? जी, हम आपको पूरा वाकया बता दें। गाँव वालों ने साफ तौर पर बताया है कि पिछले जो है 10 से 12 साल लेकर जो है पिछली दो प्रधानी में हम लोगों ने वोट डाला और पिछली विधानसभा में भी लोकसभा में वोट डाला, तब तक हमारे लिस्ट में नाम थे, लेकिन अब की बार हम लोगों ने इसको लिस्ट देखा नहीं, लेकिन जब वोट डालने के लिए बूथ पे गए तो वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने लिस्ट को चेक किया, क्रॉस चेक करने के बाद इन लोगों का नाम नहीं मिला, तभी इन लोगों को जो है उन लोगों ने बाहर कर दिया, प्रशासन के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे चुप होकर गांव वालों ने बाहर प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। तो उनके प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कहना है वहां के अधिकारियों को, कैसे उन्हें समझाकर उनका प्रदर्शन शांत कराया गया रजनीश? देखिए, साफ तौर पर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि जो है अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है। बहरहाल, ये तो अब गाँव वालों का आरोप था साफ तौर पर कि जो है ये वहाँ की जो बीएलओ हमारे यहाँ की वो ये उनके कारण उन्होंने ऐसा किया है, अब इसमें जांच का विषय है। बहरहाल, तो अभी तक जो ग्रामीण थे वोट डालने के लिए उनका मतदान बहिष्कार हो चुका है और फिर लिस्ट में नाम नहीं तो वोट नहीं डाल पाएंगे, जाहिर सी बात है। जी रजनीश, और क्या कुछ मुद्दे बस्ती से सामने आ रहे हैं? बस्ती की जनता किन मुद्दों को दिमाग में रख के मतदान केंद्रों पर जा रही है? देखिये, बस्ती की जनता अब की बार किसी के भी जुमले में आने वाली नहीं है। साफ तौर पर जितनी भी सरकारें आई सब वादा किए, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में जो है बेरोजगारी का जो ग्राफ है युवाओं में वो बहुत ज्यादा है, तो आपकी बार जो है इस चीज को युवाओं के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है कि वो उसी सरकार को ही लाएंगे, चुनेंगे जो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। और जैसे तमाम विकास कार्य हुए, विकास कार्यों पे विशेष कोई फोकस करेगा, जैसे सड़क निर्माण हुए, अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बस्ती की जनता उत्सुक है और ऐसी सरकार को लाने का प्रयास है। रजनीश, वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव वहां पर संपन्न कराया जाए और कोविड गाइडलाइन का फॉलो कराया जाए? देखिए, पूरी तरीके से जो है जो जिलाधिकारी बस्ती है डीएम सौम्या अग्रवाल है और पुलिस अधीक्षक जो आशीष श्रीवास्तव जी है, लगातार क्षेत्र में इनके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, बूथ टू बूथ चेक किया जा रहा है, अगर कोई भी परेशानी कहीं से निकल के आ रही है उसका तुरंत ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो बिल्कुल प्रशासन जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ पुख्ता इंतजाम किए हुए है। हर एक बूथ, हर विधानसभा वार जैसे स्टेटिक टीम लगाई गई है, ऑब्जर्वर टीम लगाई गई है, आरक्षी भी जिसमें शामिल है, उप निरीक्षक भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं सबको लेकर ध्यान में देखते हैं प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। रजनीश, कौन कौन से बड़े चेहरे बस्ती से चुनावी मैदान में है? देखिए, बड़े चेहरों की बात करें तो हरिया विधानसभा क्षेत्र के जो है पूर्व मंत्री जो रहे राजकिशोर सिंह जी है, और वर्तमान के जो वहाँ के विधायक है अजय सिंह जी, और त्र्यंबक पाठक जो भी पिछले 40 साल से राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए हैं। कोई अगर सदर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है वर्तमान विधायक दयाराम चौधरी स्वयं ही जो है मैदान में उतरे हुए हैं, और अगर इनके हम अगेंस्ट बात करें जो है सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव जो इनको कड़ी टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। और धोली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो धोली विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो है प्रत्युत स्टेट के रूप में जो
वो है आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो जो है सपा के जो प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी और बीजेपी से जो प्रत्याशी के रूप में उतरी है संगीता जायसवाल जी वर्तमान विधायक की धर्म पत्नी है तो कहीं कहीं ये त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। और वही अगर महादेवा विधानसभा सीट की हम बात करें महादेवा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जयराम चौधरी जो सुभाषपा से है और वर्तमान की विधायक जो रवि सोनकर जी हैं बीजेपी से हैं इन लोगों के बीच बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं आने वाले अब तो 10 तारीख को निर्धारित हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी किसके साथ सजेगा। जी अगर बात बस्ती की जाए तो बस्ती और अयोध्या में थोड़ी कम ही दूरी है और गोरखपुर के बहुत पास में ही है वो, तो अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी होने वाला है बस्ती की जनता पर रजनीश? देखिए अगर वोट बैंक की बात करें तो हाँ कास्ट फैक्टर बस्ती में कोई माने नहीं रखता है, जाहिर सी बात है सरकार ने जो जैसा काम किया है। और अगर हम बात करें अयोध्या राम मंदिर की तो विगत कई वर्षों से ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट से चलता रहा है लेकिन किसी भी सरकार में इसका निदान नहीं किया गया। सपा की सरकार में बल्कि जो है राम भक्तों पे जो है गोली चलवाई गई थी तो कहीं ना कहीं वो अभी भी सबके जहन में मेंटेन है। लेकिन अगर हम मौजूदा अखिलेश की बात करें तो उनके ऊपर जो है कुछ युवा रुझान ज्यादा है। अभी हाल ही में उन्होंने जो है एक जनसभा किया था जिसमें काफी जनसैलाब बिल्कुल उमड़ा हुआ था, यहाँ तक कि बैरिकेटिंग और बल्लियां अब लोगों को तोड़ के मंच के पास पहुंचने का युवाओं ने प्रयास किया था। कहीं की लड़ाई जो है बीजेपी और सपा के बीच बड़ी दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है लेकिन कहीं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ बसपा और सपा और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी रजनी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मतदान केंद्रों पर पहुंचे मौजूद रहिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। संवाददाता रजनीश बस्ती से हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने हमें बस्ती का पूरा जायजा लिया और हमें बताया कि क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं, वहां की जनता किन मुद्दों पर मतदान केंद्रों पर जा रही है। और वहां से एक जैसी एक वाक्य सामने आई थी कि वोटर लिस्ट में कुछ लोगों का नाम नहीं था, उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, हालांकि प्रशासन ने वोटर लिस्ट चेक किया और नाम नहीं होने की वजह से वो वोट नहीं दे पाए, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। वहीं इसके बाद लोगों ने इसका इल्जाम बीएलओ पर लगाया है, उन्होंने बोला कि बीएलओ द्वारा धांधली की गई है जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का चुनाव लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के चुनाव होना है। छठे चरण का चुनाव कुल 10 जिलों के 57 सीटों पर होना है, 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो वही यूपी में 1 बजे तक 30% मतदान हो चुका है, कुशीनगर में 38.68% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 36.66% मतदान हो चुका है, महाराजगंज में 35.32% मतदान हो चुका है, संत कबीर नगर में 34.33% मतदान हो चुका है, बस्ती में 37.49% मतदान हो चुका है, अंबेडकर नगर में 40.6% मतदान हो चुका है, वहीं देवरिया में 34.23% मतदान हो चुका है, बलिया में 36.27% मतदान हो चुका है, गोरखपुर में 36.66% मतदान हो चुका है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और आप तक एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश विधानसभा कुल 7 चरण